दिक्कत ये कि जैसी बारिश आती है घरों के अंदर पानी घुस जाता है, सीवर बैक मारते हैं, प्रॉपर सीवर सिस्टम नहीं है यहाँ पर। सेक्टर 11-12 आप ये घर देख पा रहे होंगे, बतराज हाउस है ये सेक्टर 11-12 में, और अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अंदर तक पानी भर चुका है। और पानी एक तो जो बाहर का गली का सड़क का पानी है वो है, और दूसरा आपको एक इनकी नाकामी मैं आपको दिखाऊंगा नगर निगम की, कि ये सीवरेज आप देख पा रहे हैं, सीवरेज का पानी घर के अंदर कैसे ओवरफ्लो होकर के निकल रहा है। अगर जो साफ़ सफाई समय रहते नगर निगम के द्वारा कर दी जाती तो शायद ऐसे हालात ना होते, जिसके कारण गंदा पानी घरों के अंदर नहीं घुसता। और लोग हैं यहाँ पर आसपास के जो रहने वाले घरों में, जिनको दिक्कतें आ रही हैं उनसे जानेंगे। मैडम, वाइपर आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या हो गया था, पानी घुस गया था इसके अंदर? हाँ, पानी तो रोज ही घुसता है जब जरा सी भी बारिश आती है, यहाँ तक अंदर चला जाता है। अच्छा, और हैं यहाँ पे ओनर हैं घर के, सेक्टर 11-12 के निवासी हैं। सर, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? दिक्कत ये कि जैसी बारिश आती है घरों के अंदर पानी घुस जाता है, सीवर बैक मारते हैं, सीवर प्रॉपर सीवर सिस्टम नहीं है यहाँ पर, और बारिश का पानी है आगे पानी नहीं निकलता, पुलिया ऊंची होने का मेन कारण ये है कि पुलिया ऊंची होने के कारण पानी नहीं निकल पाता। एक मिनट, प्रॉब्लम ये है यहाँ पर, जैसी बारिश आती है सीवर एक तो ब्लॉक रहते हैं, दूसरा यह पुलिया का लेवल ऊपर होने की वजह से घरों के अंदर पानी आता है। ये मेरे 374 नंबर है, 375 नंबर है, हर बारिश में पानी घर के अंदर घुसता है और 5-6 घंटे लगते हैं निकालने में, और ड्रेनेज है नहीं यहाँ प्रॉपर, दिक्कत यह है सारी। सीवर लाइन अगर यहाँ बड़ी डलनी चाहिए, और जो डली भी है वो 1/4 है कैपेसिटी के हिसाब से, मेन प्रॉब्लम ये है। देख पा रहे हैं बुजुर्ग दंपत्ति यहाँ पर रहते हैं और कैसे परेशान है, सुबह से ही पानी इनके द्वारा निकाला जा रहा है, अब जाकर के कहीं 2-3 घंटे की मुशक्कत के बाद इन्होंने अपने घर के अंदर से जो घुसा हुआ पानी है वो बाहर निकाला है। और तस्वीरें हम आपको तमाम शहर की अलग अलग तस्वीरें आपको सिटी तालका के माध्यम से दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। दिक्कत ये कि जैसी बारिश आती है घरों के अंदर पानी घुस जाता है, सीवर बैक मारते हैं, प्रॉपर सीवर सिस्टम नहीं है यहाँ पर।